दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? कटहल का जिक्र आते ही कटहल बिरयानी, कटहल का अचार, कटहल का कोफ्ता आदि सब मन में याद आने लगती है उसकी। लेकिन आज हम आपके साथ कटहल के अचार की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि आप बना के रखेंगे या आपके अचार सालों साल टिकेंगे, जो कि पराठे अचार पराठे के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, चाहे वो भरुआ पराठा हो, बेसन का पराठा हो या सादा पराठा। आइए फटाफट बनाते हैं कटहल का अचार। कटहल का अचार बनाने के लिए मार्केट जाके आप जो कटहल लाइएगा, वो छोटे वाले कटहल ही नहीं लीजिएगा, बड़े पीस वाले कटहल लीजिएगा। इसको मैंने नमक के पानी में डाल के भगोने में बॉईल कर लिया है और पानी निकाल दिया है और इसको एक कपड़े पर फैला दिया है। इसका पानी जब सूख गया है तब मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और उसके बाद जो इसमें ये प्लास्टिक होती है इसको आप निकाल दीजिएगा। आप इसको नहीं निकालेंगे तो ये खाने में आपके फंसेगा, इसलिए आप इसको सारे कटहल की प्लास्टिक ऐसे निकाल दीजिएगा। ये कटहल हमारा सूख गया है, अब हम इसमें मसाला लगाएंगे। आइए चलते हैं, मसाला लगाते हैं। कटहल में जो मसाला डालना है उसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, सरसों पीली जिसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है बारीक, कलौंजी का मसाला, हींग, एवरेस्ट की हींग है, आप कोई भी हींग यूज कर सकते हैं, और नमक। आइए हम कटहल में मसाला मिलाते हैं। ये कटहल हमारा सूख गया है, इसको मैंने पंखे की हवा में सुखा दिया है, इसमें पानी अब नहीं रह गया है, मॉइस्चर नहीं है इसमें। अब हम इसमें मसाला मिलाएंगे। सबसे पहले हम इसमें हल्दी डालेंगे, 3 टीस्पून हल्दी, वन टीस्पून लाल मिर्च, 3 टीस्पून पीली सरसों, 4 टीस्पून कलौंजी का मसाला, 4 टीस्पून नमक। और 1/2 टीस्पून हींग। हम पहले मसाला इसमें मिला लेते हैं। कटहल में हमारा मसाला मिक्स हो गया है, अब हम इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपका एक विकल्प है। तेल इसमें थोड़ा ज्यादा डालिएगा, कटहल थोड़ा डिप हो जाए। क्योंकि कटहल थोड़ी 2-4 दिन में इसका तेल सोखेगा, यह आपका कटहल जो एकदम ड्राई हो जाएगा, इसलिए तेल थोड़ा ज्यादा डालिएगा। इसमें हम 1 चम्मच सिंथेटिक सिरका ऐड कर देंगे। सिरका इसलिए ऐड किया जाता है ताकि हमारा अचार खराब ना हो। यदि आपको तेल कम लगेगा तो आप बाद में भी थोड़ा सा डाल सकते हैं इसमें। ये मसाला हमारा मिक्स हो गया है, ये अचार हमारा 1 हफ्ते में खाने के लिए तैयार हो जाएगा। इस अचार को आपको धूप में नहीं रखना है, जो भी अचार बॉयल होता है उसको कभी धूप में मत रखिएगा, नहीं तो स्मेल आने लगती, वो अचार फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। 1 हफ्ते बाद ये अचार आपका एकदम रेडी हो जाएगा खाने के लिए। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।